नमस्कार, मैं रोशन हूँ। आज भी हम कुछ खबरों पर चर्चा करेंगे और आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो है जम्मू में लिथियम की बहुत बड़ी खान प्राप्त हुई है, मिली है। जो हमारे भू सर्वेक्षण विभाग है उन्होंने, जो रियासी जिला है जम्मू का, वहाँ उन्होंने करीबन 59 लाख टन का एक पूरा पहाड़ उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। उसके खुद 2 साल से खुदाई कर रहे थे और अब पता लगा कि वो लिथियम की बहुत बड़ी खान है। तो अगर वो लिथियम उसकी हम उसको एक्सप्लोर करते हैं तो इस वक्त जो हमारा अधिकतम बैटरी बन रही हैं वो हम या तो चाइना से मंगा रहे हैं या अर्जेंटीना से या ऑस्ट्रेलिया से, ऐसे कुछ देशों से जहाँ लिथियम पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा लिथियम ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और उसके बाद चाइना में। तो हम यहीं से ही बैटरियों का इंपोर्ट करते हैं। और अगर हमारा जो ये जम्मू में जो पाया गया है करीबन 59 लाख टन का, तो इससे हमारी जो बैटरी होंगी, चाहे वो इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी हो, चाहे मोबाइल की बैटरी हो, लैपटॉप की बैटरी हो या अन्य जो पोर्टेबल बैटरियाँ होती हैं, उन बैटरियों के लिए एक बहुत बड़ा हमारे पास संसाधन हमें मिल जाएगा जो हमारे पास अभी तक नहीं था। तो 2 साल की खोज कर रही थी वहाँ पे भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग। तो उसके कारण भारत के हिस्से में एक बहुत बड़ा खान, और मैं कहूँगा एक बेशकीमती खान लगी है। और इससे जो भारत का आत्मनिर्भर बनने का सपना है वो भी साकार होगा, क्योंकि हमें चाहे हम कितना भी चीन के साथ झगड़ा करें लेकिन उसके बावजूद हमें चीन पर निर्भर रहना ही पड़ता है। चाहे दवाइयों को लेकर हो, दवाइयों के कच्चे माल को लेकर हो, लोह को लेकर हो, लोहा स्टील को लेके और लिथियम को लेके, तो हम पूरी तरह से चीन पे डिपेंड हैं। क्योंकि हमारे जितने भी बैटरियाँ उन सब का सामान लगभग चीन से ही आता है, मोस्टली सबसे ज़्यादा चीन से आता है, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया दूसरी जगह से आता है। इसके अलावा जो मित्रों दूसरी खबर है सेबी को लेकर, सेबी को कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और कहा था कि अडानी ग्रुप को लेकर आपने क्या कदम उठाए और जो निवेशक हैं उनको, उनकी रक्षा के लिए आपने क्या किया, उनके हितों की रक्षा के लिए। तो सेबी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है क्योंकि इतने सारे फ्रॉड इस देश में हुए हैं, इतनी सारी कंपनियां लोगों के, निवेशकों का पैसा लेके भाग गई हैं। तो उसमें सरकार आज पूरी तरह से सेबी के फेवर में आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम सेबी बहुत सक्षम है और सेबी ने कुछ अडानी की कंपनियों का उनको निरीक्षण के लिए रखा था, यानी सर्वलांस पे रखा था, और वो सेबी को क्या कर, सेबी अपना काम कर रही है। तो उनको बहुत पूरी तरह से सपोर्ट किया, बचाव किया। लेकिन ये बात तो सही है कि इस देश में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। उसके अलावा मित्रों आज एक खेल से जुड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि ऑस्ट्रेलिया, जिसके सामने भारत घुटने टेक देता है, आज ऑस्ट्रेलिया को हमने घुटने टिका दिए। भारतीय टीम ने उस एक पारी और 132 रन से जीत हासिल की। इस जीत में जो ऑस्ट्रेलिया पहली पारी 177 रन पर ख़त्म हुई थी और दूसरी पारी केवल 91 रन ही बना पाई। और पिछली पारी में 5 विकेट रविंद्र जडेजा लिए थे, 70 रन बनाए, और के बाद आज अश्विन रामचंद्रन ने 5 विकेट लिए। तो इन दोनों ने कमाल का किया। और दूसरी पारी में भी रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए। इसका मतलब ये कि मैन ऑफ द मैच रविंद्र जडेजा है। और इसके अलावा रोहित शर्मा जो कैप्टन है टेस्ट टीम के, उन्होंने सेंचुरी मारी। ये बड़ी अच्छी उनके लिए कमबैक था क्योंकि बहुत दिनों से वो परफॉर्मेंस ठीक से नहीं कर पा रहे थे, यानी वो फॉर्म में नहीं थे। तो मुझे लगता है कि इस सेंचुरी से वो वापस अपनी फॉर्म में लौटेंगे। इसके अलावा मित्रों एक खबर है कि जो दिल्ली और जयपुर के बीच का रास्ता है वो अभी 5 घंटे में पूरा होता है। और कल यानी संडे से कल प्रधानमंत्री जो दिल्ली दौसा और ये लाल सेठ एक जो खंड है करीबन 246 किलोमीटर का, इसका उद्घाटन करेंगे। और ये एक्सप्रेस वे है, ये वही एक्सप्रेस वे है जो दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेस वे करीबन 1200 किलोमीटर का, और ये सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा उसका एक कालखंड का, एक खंड का, एक पोर्शन का ये उद्घाटन कल प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और उसके बाद इसको जब ये खुल जाएगा
तो जयपुर जाने के लिए, क्योंकि ये दौसा तक है, लाल सेठ तक है ये, तो ये लोग 3 घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा सफ़र। और इसके अलावा मित्रों, इसके अलावा कुछ और खबरें हैं, लेकिन चूंकि संडे है और संडे के कारण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरें नहीं हैं। थोड़ा सा प्रधानमंत्री ने जगह जगह उद्घाटन किए हैं, उत्तर प्रदेश में जो निवेशक सम्मेलन चल रहा है उसका समापन राष्ट्रपति करेंगी, उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। और जैसे योगी आदित्यनाथ ने, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम भारत के विकास का जो ग्रोथ इंजन है उसका हम अगुवाई करना चाहते हैं, तो ये भी एक बड़ी इसके अच्छी अलावा बात जो उन्होंने आज कही। एक और बड़ी खबर है कि दिल्ली के राज्यपाल विवेक सक्सेना ने दिल्ली डिस्कॉम में जो दिल्ली आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों को नॉमिनेट किया गया था, उन सबको हटा दिया, उनके जगह ब्यूरोक्रेट्स को बना दिया है। और मुझे लगता है कि जो दोनों के बीच में, आम आदमी पार्टी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच में LG का जो झगड़ा चल रहा है वो और बढ़ता रहेगा। और जैसे सरकार आरोप लगा रही है दिल्ली सरकार की, राज्यपाल काम नहीं करने दे रहे हैं, तो इस वाले मामले से फिर वो ऐसे ही फिर बात करेंगे कि राज्यपाल इंटरफेयर कर रहे हैं। उसके अलावा मित्रों, जो अनिल देशमुख हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, और उन्होंने जैसे पुलिस वालों ने आरोप लगाया था, पुलिस कमिश्नर ने, कि उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए की उनको मंथली अर्निंग चाहिए, वसूली चाहिए, तो उसको लेके फिर उन पे बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे, फिर ED ने छापेमारी की और वो 21 महीने जेल रहे। 21 महीने के बाद उन्हें बेल मिली है और आज छूटते ही उनका भव्य स्वागत किया गया है, बहुत ढोल धमाके के साथ लोग आए, उनका सम्मान हुआ। और उन्होंने फिर मीडिया से कहा कि उनका टॉर्चर किया गया, उनके परिवार का टॉर्चर हुआ है, और उनको उस जेल में रखा गया जिसमें कसाब रखा गया था, वही कसाब जिसने मुंबई आतंकवादी हमला किया था मुंबई पर, और जो CST रेलवे स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी स्टेडियम, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन है, उस पर अटैक किया था, कई लोगों को मारा था, उसको फिर उसी जेल में रखा गया था और फिर उसको फांसी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक राजनीतिक कैदी को, एक आतंकवादियों के कैद, जो उनके लिए कैद बनी होती है, वहाँ रखा गया है। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए। मित्रों, उत्तराखंड में जो भर्ती घोटाला हुआ था, और जब भी कोई भर्ती होती है तो बार बार उसके पेपर लीक हो जाते हैं, फिर आरोप लगते हैं कि वहाँ किसी न किसी मंत्री का, संतरी का या पॉलिटिकल उसमें इंटरफेरेंस है। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने एक फैसला लिया है कि अगर उत्तराखंड के किसी भी भर्ती में अगर गड़बड़ी होती है तो फिर उनको 10 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा। तो मुझे लगता है ये अच्छा फैसला है, क्योंकि भर्ती बोर्ड में जितने भी अफसर होते हैं या जो भी मेंबर होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, उनको कम से कम इस बात का डर लगेगा कि जब FIR होगी, जेल भी जाएंगे और 10 करोड़ रुपये देने होंगे, तो शायद फिर वो लोग इस तरह के घोटालों से बचेंगे, घोटाले करने से बचेंगे। एक और इंटरेस्टिंग खबर है कि अगले साल 2024 में अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, और रिपब्लिकन पार्टी तो क्लियर हो गया है कि लगभग क्लियर हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी भी तैयार है, वो भी बोल चुके कि मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन डेमोक्रेट्स की तरफ से बाइडेन को चुनाव न लड़ने की बात हो रही है, और वहाँ की जो पब्लिक, जो ये इंटरनल सर्वे चलते हैं अमेरिका में, उन सर्वे में भी आ रहा है कि जो बाइडेन को दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। एक तो उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, और दूसरा उनका जो रवैया है वो थोड़ा सा ढीला ढाला है, यानी सॉफ्ट है। हम जैसे इस वक्त रूस और चीन पर जो उनका आक्रमण होना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हो, उनको थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके का है। तो अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप तो चुनाव हार गए थे, ऐसा होगा कि अमेरिका में जो चलन है कि दो बार एक राष्ट्रपति बनते हैं या दूसरी बार चुनाव लड़ सकते हैं, तो बाइडेन मुझे लगता है कि शायद ऐसे पहले शख्स होंगे कि जिनको दूसरा चुनाव न पार्टी चुनाव न लड़ाए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।